नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज की खबर जुड़ी है बिजली विभाग से और खबर है गोलमाल से संबंधित। यह घपला बिजली विभाग से आया है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार गुरुग्राम में एक घपले को पकड़ चुकी है, जहां सरकार ने जेई समेत 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। नया मामला फिर से उभर कर सामने आया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि जिस कंपनी को सरकार की तरफ से 10 करोड़ से अधिक की राशि काम की एवज में दी गई, उतना तो काम हुआ नहीं। आरोप यह सामने आया कि काम तो 4 करोड़ रुपए का हुआ और बिजली विभाग को 6,09,00,000 रुपए से अधिक का चूना लगा दिया गया। अब यमुनानगर स्थित गांधीनगर पुलिस थाने ने जालसाजी करने, धोखाधड़ी करने, बेईमानी करने तथा सोची समझी साजिश के तहत बिजली विभाग को चूना लगाने के आरोप में तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता सतीश कुमार, निर्माण अधिकारी बलवान सिंह, कार्यकारी अभियंता एसके मक्कड़ और केएस भोरिया तथा लेखाकार नफे सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब इस मामले की जांच भी की जा रही है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इस मामले में गठित की गई एक कमेटी भी अलग से जांच कर रही है। विभागीय जांच और पुलिस की जांच के बाद ही पूरा सच बाहर आ पाएगा कि आखिर कैसे और क्यों चंडीगढ़ कंपनी को इतना बड़ा फायदा पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि जिस कंपनी को 10,16,00,000 से अधिक की रकम अदायगी की गई, वह कंपनी अरविंद्रा इलेक्ट्रिकल बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि बिजली विभाग और पुलिस इस कंपनी के अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। समाचार एक्सप्रेस के पास इस मामले में दर्ज कार्रवाई की गई एफआईआर की कॉपी मौजूद है, जो आपकी स्क्रीन पर स्पष्ट नजर आ रही है। इसमें जिस बिजली अधिकारियों द्वारा आरोपियों के खिलाफ यमुनानगर के एक थाना में मामले दर्ज करवाए गए हैं, उनका नाम संदीप पाहुजा बताया जा रहा है। दर्ज की गई एफआईआर में शिकायतकर्ता अधिकारी संदीप पाहुजा के मुताबिक 20 अगस्त 2014 को चंडीगढ़ की इसी कंपनी को 11 केवी लाइन को दुरुस्त करने तथा सामग्री उपकरण की आपूर्ति करने के साथ साथ कंडक्टर हटाने जैसे कार्य किए गए थे। यह कार्य मई 2015 तक पूरा किया जाना था, लेकिन जब इस मामले में शिकायत मिली तो फिर इस मामले की जांच की गई। जांच में पता चल पाया कि जिन 33 फीडरों को दुरुस्त करने का कार्य सौंपा गया था, उनमें से 19 फीडरों पर कार्य अपूर्ण मिला, लेकिन इस कार्य की एवज में कंपनी को 9 जून 2015 तक 10,16,63,681 रुपए की अदायगी की जा चुकी थी। लेकिन जब मौके पर जांच की गई तो बिजली अधिकारी ने पाया कि काम केवल 4 करोड़ रुपए के आसपास का हुआ और 6 करोड़ रुपए की अधिक की रकम की अदायगी चंडीगढ़ की अरविंद्रा इलेक्ट्रिकल कंपनी को कर दी गई थी। यहां बताया यह भी जा रहा है कि एफआईआर में जिस कंपनी का जिक्र किया जा रहा है, उसका कार्यालय चंडीगढ़ के सेक्टर 44A में बताया जा रहा है। इसमें शिकायतकर्ता अधिकारी का यह भी आरोप है कि इस मामले में जब जांच चल रही थी तो कंपनी के अधिकारियों को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन जांच में जब कंपनी का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुआ तो फिर बकायदा नोटिस भी भेजा गया था। बहरहाल बिजली विभाग में हुए इतने बड़े घपले से बिजली विभाग भी सकते में है। फिलहाल इस मामले को लेकर बिजली विभाग के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। समाचार एक्सप्रेस ने उस अधिकारी को भी फोन मिलाया जिसने इस मामले की जांच की थी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। बार बार उन्हें संदेश भेजे गए लेकिन जवाब नहीं आया। इस मामले में समाचार एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हरीश चावला ने भी यमुनानगर स्थित बिजली अधिकारी योगराज सिंह से भी बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि यह मामला उनके दायरे में नहीं आता है। आप भी सुनिए कि बिजली अधिकारी योगराज सिंह ने समाचार एक्सप्रेस को क्या बताया। हेलो,
हेलो। हाँ जी योगराज जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी हरीश चावला बोल रहा हूँ जी समाचार एक्सप्रेस से। हाँ जी चावला जी कैसे हो योगराज जी? बस जी फाइन सर। एक बड़ा मामला दर्ज हुआ वो 10 करोड़ वाला। वो हमारा नहीं है सर। हाँ जी हमारा नहीं है सर, वो कंस्ट्रक्शन वालों का है। वो SDO कंस्ट्रक्शन ने कराया पहुजा जी ने। जी नहीं पहुजा जी ने तो करा दिया। हाँ लेकिन मैंने एक उसमें चैनल में आपकी वो देखी थी बाइट आप बोल रहे थे। वो तो वैसे आ गया ना, वो आया कोई बाइट लेने, आप आ जाओगे हम आपको भी दे देंगे। मेरा मामला नहीं ना, आप उसमें पढ़ो। ये SDO कंस्ट्रक्शन ने कराया, मैंने यही कहा था। अभी इसमें हमारे दफ्तर का या मेरे किसी अधिकारी का कोई लेना देना नहीं, कोई हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं। तो योगराज जी अपना पहुजा जी का नंबर है उनका आपके पास? मेरे पास सर, मेरे पास। कहाँ से मिलेगा? ये इनका ऑफिस है चोपड़ा चापड़ा गार्डन, पता नहीं क्या की गार्डन में इधर ऑफिस है। पूरा नाम क्या होगा? संदीप पहुजा। हाँ उसी में, हाँ संदीप पहुजा। इनका एक्शन वहाँ बैठता है कुरुक्षेत्र। अच्छा SC, हाँ SC इनका पंचकुला बैठता है। नहीं सर ये जो शिकायत करता जो संदीप पहुजा ही है ना मेरे। हाँ ये यहाँ पे ऑफिस है त्यागी गार्डन की तरफ। सर देखो ट्राई सर प्रार्थना है जरा नंबर। मैं तो नाम ही पहली दफा सुना उसका संदीप पहुजेगा। फोन तो मैंने क्या करना था। चलो ठीक है योगराज। आपने सुना कि योगराज सिंह क्या बता रहे हैं। फिलहाल उन्होंने जिस अधिकारी का नाम उजागर किया है, जब उनका नंबर मिलाया गया तो उनका फोन भी स्विच ऑफ मिला। यानी कुल मिलाकर बिजली अधिकारी भी इस मामले का खुलासा करने से टल रहे हैं। लेकिन समाचार एक्सप्रेस इस पूरे मामले की पूरी पड़ताल करेगा। आपको यह भी बता दें कि अभी पिछले दिनों ही गुरुग्राम में भी एक इस तरह का मामला भी सामने आया था, जिसमें बिजली विभाग के जेई समेत 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। इन कर्मचारियों पर बिजली विभाग को ही चूना लगाने का आरोप था, जिसके बाद विभाग ने इन कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था। जानकारी के मुताबिक बिजली निगम के कर्मचारियों ने 1 मीटर का रिकॉर्ड नहीं दिया था, जिस वजह से निगम को करीब 3,67,000 रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। एक उपभोक्ता ने बिजली कनेक्शन का आवेदन वर्ष 2018 के नवंबर माह में किया था, उसको कनेक्शन भी दे दिया गया, उसको मीटर भी लगा दिया गया था, लेकिन मीटर को बिजली निगम के रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं किया गया। जब मामले का खुलासा हुआ तो जांच में क्षेत्र के जेई विजेंद्र सिंह, CA जितेंद्र सिंह, शमीम खाम, UDC व लाइनमैन पवन को दोषी पाया गया, जिस पर उन सभी को निलंबित कर दिया गया। इसी प्रकार पवन ने दूसरा मीटर के लिए भी उपभोक्ता से करीब 2,30,000 रुपए लिए थे, लेकिन उसका बिल भी जमा नहीं करवाया था। पवन के खिलाफ सेक्टर 56 में धीरज की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा दिया गया था। पवन की अग्रिम जमानत याचिका उच्च न्यायालय तक भी खारिज हो चुकी है। अब सवाल उभर कर यह सामने आ रहा है कि चंडीगढ़ की जिस कंपनी को 2014 में कार्य दिया गया और उसकी पेमेंट भी 2015 में कर दी गई, इतनी देर बिजली विभाग को इस मामले पर नजर गड़ाने में कैसे लग गए? गुरुग्राम में जब जांच की गई तो जांच के बाद जेई समेत 4 बिजली कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन यहां इस मामले में जांच के बाद FIR दर्ज की गई है। क्या करोड़ों के इस घपले के मामले में जिन बिजली अधिकारियों का नाम सामने आया है उन्हें क्या सस्पेंड किया जाएगा? यदि सस्पेंड किया जाएगा तो उन्हें सस्पेंड करने में सरकार या विभाग कितना समय लगाएगी, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल करोड़ों के इस घपले के उजागर होने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए नजर आ रहे हैं। देश व प्रदेश की सभी खबरें देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ समाचार एक्सप्रेस पर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।